सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन टेक। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्रेडिट कार्ड लेकर आया जो कि दोस्तों पेटीएम की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है। गाइस, पेटीएम और HDFC ने दोनों पार्टनरशिप करके एक कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जो कि दोस्तों इसके एनुअल फी है गाइस वो 29 रुपये प्लस GST आपको देना पड़ेगा। तो गाइस, ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे दोस्तों आपको 2% का कैशबैक भी आपको देखने को इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है यदि पेटीएम से कोई भी शॉपिंग करते हैं। और गाइस, यहाँ पे 1% का भी आपको कैशबैक कब मिलेगा यानी कि पेटीएम के अलावा यदि कहीं पर भी यूज़ करते हैं तो गाइस आपको 1% का कैशबैक भी आपको देखने को मिलने वाला। तो गाइस, ये 29 रुपये में ये क्रेडिट कार्ड आपको दिया जा रहा है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपको इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लेना है। तो गाइस, आज इस वीडियो में पूरा इस क्रेडिट कार्ड के जो भी बेनिफिट्स है, जो भी इसके हिडन चार्जेज है, जो भी एडवांटेज है, जो भी डिसएडवांटेज है, जो भी इसकी फीचर्स है, इसके बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा क्योंकि आप थोड़ा सा भी स्किप कर देंगे तो गाइस आपको समझ में नहीं आएगा और जो भी इसकी बेनिफिट्स है आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो गाइस हो सकता है कि आपको बहुत सारी परेशानियां झेलने पड़े। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा तभी आप इस जो भी इसकी बेनिफिट्स है आप उसे समझ पाएंगे और इजीली आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट्स हो जाएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो, देखिए HDFC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है गाइस, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और गाइस, मैंने यहाँ पे देखिए सर्च किया है पेटीएम HDFC बैंक मोबाइल क्रेडिट कार्ड, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो गाइस देखिए, मैंने पेटीएम HDFC बैंक मोबाइल क्रेडिट कार्ड यहाँ पे इसके जो भी बेनिफिट्स है, जो भी इसके चार्जेस, इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए, मैंने ये वाला क्रेडिट कार्ड मैंने सर्च किया और यहाँ पे इसका जो भी, ये देखिए सिल्वर कलर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे HDFC का भी यहाँ पर लोगो भी दिख रहा है और ये जो क्रेडिट कार्ड है वीजा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है और यहाँ पे पेटीएम का भी यहाँ पर सिंबल दिया गया है और यहाँ पे आपको जो भी इसका डिटेल है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, इसके बारे में जो भी फीचर्स है इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। देखिए यहाँ पे कार्ड टाइप जो है गाइस, यहाँ पे कैशबैक में दिया जाए यानी कि आपको यहाँ पे कैशबैक ऑफर में मिलने वाला, ठीक है। चलिए, इस फीचर्स की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे 2% का कैशबैक ऑन ऑल परचेज ऑन पेटीएम यानी कि पेटीएम मॉल, पेटीएम मूवीज, पेटीएम ऐप या मिनी ऐप ये पे यदि आप स्पेंड करते हैं तो आपको 2% का कैशबैक आपको देखने को मिलने वाला है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था, ठीक है। अब चलिए उसके बाद बात करते हैं 1% का कैशबैक ऑन ऑल अदर स्पेंड ऑन पेटीएम स्पेंड यानी कि इसके अलावा पेटीएम पे कोई कहीं पे भी आप स्पेंड करते हैं तो 1% का कैशबैक मिलेगा। 0.5% का कैशबैक ऑन अदर स्पेंड ऑन रिटेल परचेज यानी कि पेटीएम के अलावा कहीं पे भी इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 0.5% कैशबैक आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, अब इसके बारे में और ज़्यादा बात करते हैं। देखिए यहाँ पे फ्री क्रेडिट पीरियड भी है यदि इस पर कोई भी सामान परचेज करते हैं और जो भी आपने स्पेंड किया है लिमिट, मान लो 20,000-25,000 को जो भी आपने स्पेंड किया उस पर स्पेंड लिमिट को 50 दिन के अंदर में आप पे कर दोगे तो गाइस यहाँ पे 50-day इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड भी है यानी कि आपको 50 दिन के अंदर पे करते हैं तो आपको एडिशन कुछ भी आपको सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जितना आपने पे किया है, सॉरी जितना आपने यूज किया उतना ही आपको 50 दिन के अंदर पे करते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट उस पर नहीं लगने वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए एडिशनल बेनिफिट की बात करें तो गाइस यहाँ पर देखिए यूटिलिटी बिल पेमेंट, यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाला है। जिलो कॉस्ट लेबिलिटी है यानी कि 24 आवर के अंदर में कॉल सेंटर में आपको फोन करके बता देना है कि सर मेरा क्रेडिट कार्ड लॉस्ट हो गया है, तो इसके लिए आपको कोई भी इस क्रेडिट कार्ड पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं होगी और आपका कार्ड वहीं पे ब्लॉक कर दिया जाएगा जहां पर भी आपका लॉस होता है, ठीक है। तो यहां पे वही बताया जाए कि जीरो कॉस्ट लायबिलिटी यानी कि यदि कॉस्ट सॉरी यहां पे यदि आपका कार्ड गुम हो जाता है तो आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए माइल स्टोन की बात करते हैं। देखिए लिखा गया है कि अनलॉक द बेनिफिट ऑफ द पेटीएम HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड बाई द स्पेंडिंग ऑफ 10,000 इन 3 consecutive months यानी कि लगातार 3 मंथ तक आप 10,000 रुपये खर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे अनलॉक द बेनिफिट ऑफ द पेटीएम HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड यानी कि जो भी इस पे यदि आप स्पेंड करते हैं तो आपको यहाँ पे 10,000 का आपको यहाँ पे सॉरी 10,000 तक 3 महीने तक खर्च करते हैं तो जो भी इसमें आपको बेनिफिट होगा जो कि माइलस्टोन बताया जा रहा है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एनुअल एंड मंथली स्पेंड बेस्ड बेनिफिट यहाँ पे भी है, ठीक है। गेट मंथली फी वेव्ड ऑफ द रिटेल स्पेंड ऑफ द 2,500 इन ए मंथ, ठीक है।
यानी कि 2,500 से ऊपर या इससे ज़्यादा खर्च करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो फी जो है गेट मंथली फी वेब जो है ये आपका वेब अप कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ईएमआई ऑफर भी है। ईएमआई ऑफर में आपको देखिए दिया जा रहा है नो कॉस्ट ऑन ईएमआई या लो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन ऑन क्रेडिट कार्ड, यानी कि आप जैसे दूसरी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो वहाँ पर 2,500 यदि परचेज करते हो तब आपको क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई का ऑप्शन मिलता होगा। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि ये इस क्रेडिट कार्ड में आपको 2,500 से नीचे भी आपको नो कॉस्ट ईएमआई आपको मिल जाए, आप जितना भी सामान खरीदते हो उसे 3 महीने या 6 महीने के टेनोर पे आप उसे ईएमआई पे कन्वर्ट करवा सकते हैं और उस पर कोई भी एडिशनल चार्जेज नहीं देने पड़ते होंगे। तो होता है यही का इसी को बोलते हैं नो कॉस्ट ऑन ईएमआई, यानी कि आपको ईएमआई कन्वर्ट भी हो जाएगा और आपको यहाँ पे कोई एडिशनल चार्जेज भी देने नहीं पड़ेंगे। चलिए अब इसके फी एंड चार्जेज की बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको 29 रुपये में मिलने वाला, तो गाइस सच में यहाँ पे आपको ये 29 रुपये में ये क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, यानी कि मंथली मेंबरशिप फी जो है यहाँ पे 29 रुपये प्लस GST आपको देने पड़ेंगे। यानी कि 29 का 18% निकाल लेंगे तो आपको यहाँ पे 2.90 रुपये, यानी कि 29 से 2 31, यानी कि यही 32-35 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, मंथली फी भी वेड ऑन रिटेल स्पेंड और 2,500, यानी कि यहाँ पे देखिए मंथली स्पेंड करते हैं नॉन ईएमआई में यदि स्पेंड करते हैं तो आपको जो 2,500 का जो यदि 2,500 से ज़्यादा स्पेंड करते हो मंथली जो वेबडप फी, यानी कि ये आपका वेबअप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो गाइस इस क्रेडिट कार्ड की बात होगी, देखिए मंथली मेंबरशिप की ये 29 रुपया है और ये जो मंथली मेंबरशिप है 29 रुपये ये आपका वेब अप कर दिया जाए। तो गाइस ये बहुत ही बेहतरीन क्रेडिट कार्ड यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट्स हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी को यहाँ पे जो भी इसकी 1 जुलाई 2017 के जो भी इफेक्टिव है वही आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको देने पड़ेंगे, यानी कि जो भी 18% होता है वही आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, यानी 29 रुपये प्लस GST। तो गाइस ये देखिए ओवरऑल इस क्रेडिट कार्ड की बेनिफिट्स है, जो भी इसके चार्जेस पूरा डिटेल में मैंने कवर कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि मंथली जो मेंबरशिप है गाइस ये 29 रुपये प्लस GST आपको देने पड़ेंगे। यदि इसे आप वेबअप कराना चाहते हैं आप, तो गाइस आपको क्या करना है, 2,500 रुपये आपको मंथली स्पेंड करना पड़ेगा। यदि स्पेंड करते हैं तो ये जो मंथली मेंबरशिप प्लान है ये आपका 29 यानी कि 28-29 रुपये ये आपका वेबअप हो जाएगा। तो गाइस इस क्रेडिट कार्ड के जो भी मंथली चार्जेज है यानी कि 30-32 रुपये है। ठीक है, तो देखिए ये पूरा डिटेल में हो चुका है और इसके जो भी कैशबैक है इसके बारे में मैंने बात कर ही लिया। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया और कुछ छूट जाता तो आप हमें कमेंट करके जरूर से जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में कैसे कमाल के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और सॉरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कैसे कमाल के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।